जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने परिवादियों की परिवेदनाएं सुनकर अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे, वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारी भी VC के माध्यम से जुड़े रहे। जिला स्तरीय जनसुनवाई तथा जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जनसुनवाई में आए परिवादियों की कुर्सी पर बैठाकर संवेदनशीलता के साथ उनकी परिवेदनाएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से प्रगति समीक्षा पश्चात कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में जांच अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर परिवादियों को राहत पहुंचाएं। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता समिति के मामलों को गंभीरता से लेते हुए किसी प्रतिनिधि की बजाय स्वयं जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्रस्तुत परिवेदनाओं पर संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई कर राहत पहुँचाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से जुड़े कुल 18 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें कई लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्न, उपखंड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान, नगर विकास न्यास सचिव शैलेश सुराणा, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, अधीक्षण अभियंता भरत सिंह चौधरी, अजय माथुर समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी VC में मौजूद रहे।